करता भाई, भाई उसने भी डिजाइन उसने भी रेंज रोवर ले ली, कुछ दिन में मैं भी ले लूंगा भाई। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं करने जा रहा हूँ 22 और 23 का वर्कआउट। आज मेरा प्लान बन गया है वर्कआउट करने का। एक हमारे प्रो बॉडी बिल्डर हैं, उनका नाम है रियांश ठाकुर। आज मैं करूँगा उनके साथ वर्कआउट। थोड़े आपको टिप्स शेयर करेंगे 22 और 23 वर्कआउट के बारे में। बहुत ही अच्छी नॉलेज है भाई को, और आपको दिखाते हैं आज पूरा वर्कआउट करके। मैं जा रहा हूँ जनकपुरी वर्कआउट करने, तपती हुई धूप में। बहुत ही गर्मी है, पर वर्कआउट नहीं छूटेगा, वर्कआउट रेगुलर होगा, वर्कआउट तो करना ही है। क्या करने वाले बताओ? तो यार आज हम लोग ट्रेन कर रहे हैं आर्म्स को। आर्म्स में दोनों, मतलब ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करेंगे, बाइसेप्स को भी ट्रेन करेंगे। और ये कंफ्यूजन रहता है आप लोगों का आर्म्स में ना, कि यार पहले हम ट्राइसेप्स को ट्रेन करें या बाइसेप्स को करें, क्योंकि ट्राइसेप्स बड़ा मसल है और बाइसेप्स छोटा मसल है। तो दोनों में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ट्राइसेप्स मोर ओवर बाइसेप्स ट्रेन करना है बस। बाकी आप पहले कुछ भी कर सकते हो, हम कंबाइंड ना लगाकर सेपरेटेड ट्रेन करेंगे। तो हम ट्रेन कर रहे हैं सबसे पहले अपना ट्राइसेप्स। तो यार सबसे ज्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है, मैक्सिमम लोगों को ना इंजरीज होती है ट्राइसेप्स में, एल्बो में, टेनिस एल्बो में कहते हैं पेन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बिगिनर हो, आप फॉलो कर रहे हो एडवांस को, इंटरमीडिएट को। और आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी लॉक मूवमेंट चूज करते हो जिसपे आपका पोस्चर ऑलरेडी खराब होता है, उसी पे आप लोड डाल डाल के अपनी चीजों को खराब कर देते हो। ये मोटिव ये है कि आपके दोनों हाथ हैं फ्री, अलग अलग इंडिविजुअली वर्क करेंगे। तो क्या है कि अगर मेरा ये वाले हाथ में इधर पेन आता है या इधर ज्यादा जर्क आता है, तो क्या करूंगा मैं इसको ना अपने अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग स्टेबलाइज कर सकता हूँ, जिससे मेरी इंजरी के चांसेस मिनिमम और ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो करते करते आप एल्बोस को आगे पीछे कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको लॉक रखना है। तो फालतू फालतू के जैसे डंबल ऊपर आएंगे, एक्सेल आउट करना है, एक्सेल करना है, एक्सेल। हम कर रहे हैं 15-20 रैप, मिनिमम 12 रैप तो करने हैं। ब्लाइंडली ना किसी भी वीडियो को फॉलो नहीं करना होता। जैसे आप, हम भी कहते हैं कि हमारी वीडियो को भी ब्लाइंडली फॉलो करो। जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको जाके रिसर्च कर लो, उस पर पढ़ लो, कुछ आर्टिकल दुनिया भर के होते हैं उस पर पढ़ोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि सामने वाला आपको जेन्युइन नॉलेज दे रहा है या आपका फुदू काट रहा है। बहुत जरूरी है। तो ये अब हम लगा रहे हैं ट्राइसेप्स की थर्ड एक्सरसाइज, और ये बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइज हो गई है। अब कि लोग ना बेंच डिप्स वार्म अप में यूज करते हैं, जबकि बेंच डिप्स खुद में एक एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से करना है। टेम्पो को हम स्लो ही रखेंगे, स्लो टेम्पो में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मसल को बहुत बेहतरीन तरीके से। और वो कैसे होगी, आपके माइंड से। इनहेल एक्सहेल का ध्यान हर एक एक्सरसाइज में रखना, इसके बेनिफिट मिलेंगे आपको। प्रॉपर तरीके से इनहेल एक्सहेल पे ध्यान रख रहा है। आज की वीडियो का मोटिव भी यही है कि आप लोगों को इनहेल और एक्सहेल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग में है और नहीं भी है, तो हर बार हर एक्सरसाइज का सेट लगा के ना कोशिश करा करो कि आप फ्लेक्स करो मसल को। मसल फ्लेक्स करने से पहले क्या होता है,
आपका जो बॉडी का फ्लो है ना, जो ब्लड फ्लो है, जो कि मसल में ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस फ्लो को हमने फ्लेक्स करके होल्ड कर दिया, ठीक है। तो मसल क्या करता है, मसल के अंदर ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू। अब वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे तभी तो आप ग्रो कर पाओगे बाबू, समझो समझो। और बतेरे फायदे हैं, इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि पोजिंग क्यों जरूरी है। अब हम लगा रहे हैं ट्राइसेप्स की लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज। तो चार चार ही एक्सरसाइज हमने दोनों मसल के लिए करनी थी, तो किकबैक केबल से लगा रहे हैं। इसका भी वही है कि यार डंबल से लगाओगे फिर आप बॉडी यूं यूं कर रहे हो, वो ट्राइसेप्स पे आने की वजह लोअर बैक पे भी आ रहा है, शोल्डर पे भी आ रहा है, तो इससे क्या आपकी मूवमेंट तो लॉक है, तो आप जो लोड डाल रहे हो वो अपने लॉन्ग हेड पे आराम से डाल पा रहे हो और आपको दिख ही रहा होगा। टेम्पो को थोड़ा स्लो कर लो, इंटेंसिटी आपकी खुद ब खुद हाई हो जाएगी, 25-30 रैप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। मिनिमम रैप आपके मेरे हिसाब से कैपेबिलिटी इतनी रखो कि 12 पे आके 10 के बाद आपका मसल टूटना शुरू हो जाए बहुत, और 12 पे आपकी जान निकल जाए और आपको लगाने 15 रैप। वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जब हम अपने मसल को पूरा स्ट्रेच करते हैं ना, तो बॉडी बिल्डर्स को देख के फॉलो मत करो, आपको फॉलो करना फिटनेस के लिए, एक अच्छी फिटनेस के लिए एक अच्छा वर्कआउट रेजीम। देखो कितने अच्छे से भाई का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है। कोल्ड नेट ही बॉडी बिल्डर है, मैं यार किसी एक फेडरेशन का नाम नहीं लेना चाहता, अपने यहाँ पे जो ये कहते हैं कि नेचुरल कंपटीशन हो रहे हैं, भाई मेरे से ना खाली कागज पे दस्तखत करवा के ले जाओ, ठीक है, कोई नेचुरल नहीं है भाई। ये जो परफॉर्म कर रहे हैं ना वहाँ पे, जिन्हें आप देख रहे हो, जो मेरे गैल में इंस्टाग्राम पे 5-5, 6-6 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर इनके हुए पड़े हैं, कह के कि मैं 22 साल का हूँ, पिछले 4 साल से 22 साल का हूँ, और भाई मैं नेटी हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बताता आपको, मैं भी कह रहा हूँ मैं भी 21 साल का हूँ नेटी, मैं कह दूंगा गू खाने लग जाओ तो आप गू खाने लग जाओगे, ऐसे नहीं बनती बॉडी भाई। मैं कह रहा हूँ बॉडी बिल्डर अभी जितने आने वाले कंपटीशन है ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो नेचुरल ज्यादा बेटर है, एक बार किसी स्टेज पे क्या बोल रहे? एक बार किसी स्टेज पे बॉडी बिल्डर के साथ खड़े होके देखो पता लग जाएगा भाई, सेक्रीफाइस आपका यहाँ से होता है। पहले ना मेरे को कैमरे का चार्जर दे दो, मेरे को घूमने जाना है, कब आज शाम को निकल रहा हूँ मैं, ले जाना शाम को। तो भाई एक बॉडी बिल्डर जिस लेवल पे सेक्रीफाइस कर रहा होता है ना, वो सेक्रीफाइस आप सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक, ठीक है। पहला सेक्रीफाइस कि आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, और वो सारा पैसा आप रेदर देन कोई चीज खरीदोगे आपको अपने ऊपर ही लगाना है, ठीक है। इसका आउटकम तो भूल जाओ, ठीक है, ये जो इसका आउटकम मिलेगा वो बहुत बाद की बात है। मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है आपकी, सोशल लाइफ जीरो, ठीक है, आप दोस्तों के साथ ब्याह में जाके नान नहीं खा सकते, ठीक है, शराब नहीं पी सकते, एंजॉयमेंट के लिए बोल रहा हूँ, अल्कोहल कंजम्पशन इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, लेकिन सब पीते हैं सबको पता है। दूसरी चीज कि आप अपनी जब प्रेप पे होते हो तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बॉडी को फंक्शन कराने का, तो आप डिप्लीशन पे आ जाते हो, जैसे डिप्लीट कर रहे हो, 10 ग्राम का आप खा रहे हो, आप दिन के 1400 कैलोरी पे चल रहे हो, उसके बाद आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट कर रहे हो दिन में, उसके बाद आप 24 घंटे तो भूखे हो और मेहनत करे जा रहे हो, फिर भी आपको चेहरे पे स्माइल चिपका के घूमने, कोई भी आता है एक चूतिया इंसान आपको बोल जाता है अरे स्टेरॉइड लेके मैं बना लूंगा ऐसी बॉडी, अरे मेरे भाई नहीं हो पाएगा, 7 जन्म लग जाएंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत डिफरेंट गेम है, हम लोग इसको एंजॉय करते हैं भाई, अपनी प्रेप को एंजॉय करते हैं। तो ट्राइसेप्स खत्म कर चुके हैं, अब कर रहे हैं बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज। तो एक ही एक्सरसाइज में बाइसेप्स की दो वेरिएशन कंबाइंड है, तो पहले तो हम लगाएंगे 10 रैप्स। तो ऊपर लाने के बाद एक्सेल और मसल को स्क्वीज, 3-4-5 प्रॉपर स्क्वीज करना, 6 कर रहे हैं डंबल कर्ल्स,
हम लोग यार एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो हम वेरिएशन डाल रहे हैं भाई। अब भाई इस बंदे को बाहर क्यों निकाल दो तुम यहाँ से? ये भाई वो आप देख के जज कर लेना कौन एडवांस है कौन बिगिनर है भाई, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। हाँ भाई भाई उसने भी रेंज रोवर ले ली, कुछ दिन में मैं भी ले लूंगा भाई। तो सीरियस नोट पे आते हैं, सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये वेरिएशन है मेरी जिसमें मैं अपनी रिस्ट को मूव कर रहा हूँ। हालांकि रिस्ट मूव करने से आपको कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे, मैं एडवांस लेवल पे हूँ तो थोड़ा लोड ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। थंब मेरा थंब की जो ग्रिप है ये मेरी आउट है, तो मैं ऐसे नहीं ऐसे कर रहा हूँ ताकि लोड और बढ़ जाए। 1 2 3 ऊपर लाने के बाद स्क्वीज 0.23 सेकेंड के लिए, फोकस रखो अपने मसल पे, अपने माइंड को कनेक्ट करके रखना मसल से, हटने नहीं देना, तब आपकी टेंशन बढ़ेगी मसल पे और पंप आएगा ऐसा और पीक बनेगी बढ़िया वाली। प्लस कंडीशनिंग के साथ, तो अच्छी कंडीशनिंग जरूरी है। ये राइड गाइडेंस से होगी, इस पे भी वीडियो आएगी पे किस लेवल का कंट्रोल बनाया हुआ है। फोकस सारा मसल पे है, माइंड सारा मसल पे है, तो ये आपके रिजल्ट को फास्ट करने वाली चीजें होती हैं जब आप मसल माइंड कनेक्शन बनाते हो। एक्सरसाइज कर रहे हैं बाइसेप्स की, रोप से हम हैमर कर्ल्स कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना कर्ल्स ऐसे लगाते हैं ऐसे, आप सिर्फ इतना देखो जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी बॉडी की एनाटॉमी है वो ये वर्क कर रही है, समझ रहे हो? अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप ये देखो ना कि आपने लोड कहाँ कहाँ फैला दिया, करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, हमारी ग्रेविटी जैसे वर्क कर रही है भाई ये। अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये मेरे शोल्डर पे भी आएगा लोड, मेरे फोर आर्म्स पे भी आएगा, तो मेरे को रेदर देन इधर उधर आए तो मैं सिर्फ हिट कर रहा हूँ बाइसेप्स को। अब देखो जैसा आपका मसल माइंड कनेक्शन बना, आपका मसल बढ़िया तरीके से हिट होना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्म रखनी है, बॉडी को पेंडुलम की तरह नहीं झुलाना है, वेट इतना ही लेना है जितना आप में कूदा हो बस। 50 किलो से मार रहा है, मैं भी 50 किलो से मार लूं तो फिर वेट आपकी मार लेगा। तो ये देखो इस मूवमेंट पे जो हम मूवमेंट लगा रहे हैं, हमें मेन लोड ये है हमारा, उसके बाद जो ये जो आ रहा है वो इधर तक आएगा हमारे फोर आर्म्स तक। अब हम इसमें टेढ़ी मेढ़ी आलतू फालतू की वेरिएशन नहीं डाल रहे कि हमारे शोल्डर पे भी लोड आए, इधर भी आए उधर भी आए, तो लोड जहाँ आना चाहिए वहाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहा है। पुराना टाइम में चलता आ रहा है कि भाई नेचुरल चीज में, और नहीं यार देखो गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ये देखो तो फिर वही वाली बात होगी ना, पाउडर वाली बॉडी है, पाउडर में प्रोटीन तो है, जो तो क्या है उसमें, ये नहीं कर सकता ना कि तू भाई केक में भी अंडा है तो मैं केक खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं, तो बॉडी का तो डिसिप्लिन है भाई बहुत तगड़ा, भूखा प्यासा रहना बताना भाई, भाई मेंटली ब्रेक नहीं होना होता, मतलब सैक्रिफाइस तो चलते ही रहेंगे। तो गांव में जाओगे तो भाई वो तो ये भी बोलते ब्रह्मचर्य का पालन करना, लंगोट का पंगा पक्का है। तो ये बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें हम बाइसेप्स और कंबाइंड फोर आर्म्स को भी ट्रेन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। अब बहुत कम लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, रिवर्स कर्ल्स को, ठीक है? तो मैं केबल पे कर रहा हूँ, मैं कर्ल्स के ट्रेनर, आपको बिल्कुल यही है जो मेरे को गाइड करते हैं पीछे, ये स्क्रिप्टिंग करवाते हैं फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। तो मैं इसको केबल पे परफॉर्म कर रहा हूँ,
परफॉर्म करते टाइम हमेशा क्या रखना है कि क्या लोअर बैक पे कब नहीं आएगा जब आपने आर्च किया हुआ, चेस्ट अप की हुई है, आपकी बॉडी टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं छोड़ना है आपको अपनी बॉडी को। तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना वन ऑफ द बेस्ट और अंडररेटेड एक्सरसाइज है, रिवर्स कर्ल बहुत बढ़िया। इसके भी हर एक एक्सरसाइज की समरी है, हर एक एक्सरसाइज के आपको चार चार सेट परफॉर्म करने हैं। रेपिटेशन आपके मिनिमम 12 तक होने चाहिए, मैक्सिमम 15 से 20 भी होंगे बहुत अच्छी बात है। आपके बॉडी गिव अप नहीं करती है, आपका माइंड पहले गिव अप कर जाता है। तो अगर आपको फटीक आई है 10 पे, फटीक आनी शुरू हुई है, तो आपका फेलियर आराम से 15 पे होगा। तो आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके पुश 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 करके अचीव करना है। यहाँ पे इनका फोर आर्म भी एक्टिव है, ये देखो इस पे वीन्स वीन की पॉप आउट हो रही है। और बाइसेप्स पे तो आ ही गया है। तो भाई इस चीज का फोकस रखना है, जैसे भाई ने आज अपने इनहेल एक्सहेल के देखो कितना अच्छा फोकस किया हुआ। तो यूएसपी जो थी आज की वो टॉप नॉच चल रही है अपनी। आज का वर्कआउट ट्राइसेप्स बाइसेप्स, इस वर्कआउट रिजीम को अपने रूटीन में एक बार डालना, एक बार करके देखना और कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको क्या फर्क आया क्या नहीं आया, हमारी कोई बात बुरी लगी हो अच्छी लगी हो ये भी बताना, क्योंकि इससे पता रहता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। अपने अकॉर्डिंग तो हम अच्छा कर रहे हैं, आप बताओगे और अच्छा करेंगे भाई, क्रिटिसिज्म लेने को तैयार है हम, वैसे ही रोज मिलता है। तो गाइज स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और भाई काम करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, काम करते रहो बस। गाइस कर दो चैनल को।